नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पे। मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। धन की परेशानी अक्सर चल रही है और ये कोरोना काल की बात तो हमने कई व्यवसाय लोगों को देखा हुआ है कि कहीं ना कहीं बिजनेस जो है वो खराब चल रहा है, नौकरी की दिक्कत आ रही है, पैसे किसी को दिए वो फंस गए, पैसे आ नहीं रहे हैं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं बैंक से भी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में क्या किया जाए? माँ महालक्ष्मी को तो हम सब प्रसन्न करना चाहते हैं, लक्ष्मी कृपा के बगैर सुख शांति कहाँ है, सुख समृद्धि कहाँ है। हम अपने प्रति जो भी करना चाहते हैं वो हम दिवाली की रात को करते हैं, अपने परिवार के प्रति जो सुख संपन्नता चाहते हैं वो दिवाली की रात को करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि तरह तरह की चीज़ें चढ़ाते हैं, जिसमें हम लाई चढ़ाते हैं, हम बताशे चढ़ाते हैं, खीर चढ़ाते हैं। एक विशेष उपाय इस बार करें, इस बार बृहस्पति देव जो है वो अपनी राशि में विराजमान है, अपनी राशि यानी कि मीन राशि में विराजमान है। बृहस्पति देव को गुरु माना जाता है, देव गुरु माना जाता है। इसलिए लक्ष्मी पूजा के दिन आपको यदि आर्थिक संकट महसूस हो रहा है और आप इसे पाना चाहते हैं निजात, तो दिवाली के दिन पूजा के समय माँ को चने की दाल अर्पित करें। चने की दाल भिगो के रखें एक रात पहले और खीरे के साथ उसको अर्पित करें। ये बहुत शुभ माना जाता है। इससे ना केवल बृहस्पति भी मजबूत होते हैं, इसको बहुत शुभ माना जाता है, इसमें बुध भी मजबूत होते हैं और साथ ही साथ माँ महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। फिर एक दिन बाद इस प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं। यह प्रसाद केवल पारिवारिक लोग ही ग्रहण करें, बाहर के लोगों में ना बांटा जाए। ये प्रसाद जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। करते समय पर आप ओम श्रीम श्रिये नमः मंत्र का जप कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के स्तोत्र का जप कर सकते हैं, आप श्री सूक्तम का जप कर सकते हैं। तो ये छोटे से उपाय आप करके आज के दिन देखें, देखिएगा आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सारी आर्थिक दिक्कतों का निजात आपको मिल चुका है। तो ये था छोटा सा उपाय, करके देखिएगा जरूर। ऐसी ही खास बातें लेकर आऊंगी मैं श्रुति द्विवेदी केवल न्यूज़ नेशन पर। नमस्कार, आपकी दीपावली बेहद शुभ हो।